हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब के बारे में। सो ये जॉब बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच हो, चाहे वो बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड बैचलर ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी हो, या तो फिर मास्टर्स का कोर्स किया है आपने, मास्टर्स ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, या कोई सा भी कोर्स आपने किया हुआ है स्पीच एंड हियरिंग के फील्ड में और आपको अगर जॉब चाहिए तो फिर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। जिन लोगों ने कोर्स को नहीं किया है तो वो लोग भी इस वीडियो को देख लें। ये जो फील्ड है स्पीच एंड हियरिंग का, इसमें बहुत सारे वैकेंसीज खाली हैं। बहुत सारे क्लिनिक से मुझे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल से आते हैं, इवन कॉलेजेस से आते हैं कि सर अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है या कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, कोई क्लिनिशियन इंटरेस्टेड है तो हमारे यहाँ वर्क कर सकता है। फील्ड तो बहुत बड़ी है बट कोर्सेज जो हैं लोग अवेयर नहीं है, कोर्स ज़्यादा लोग किए नहीं है, तो पूरा सीट ऑलमोस्ट हर जगह लगभग खाली मिलेगी आपको। बिकॉज क्लिनिक्स तो खुलते जा रहे हैं, कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, बट स्टूडेंट्स जो हैं या इवन जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो कम हो पा रहे हैं, बिकॉज लोग अवेयर नहीं है कोर्स के बारे में, जान नहीं रहे हैं कि क्या कोर्सेज हैं। अगर आप लोग अभी 12th पास आउट किए हो और इंटरेस्टेड हो स्पीच एंड हियरिंग के फील्ड में, बिकॉज स्पीच एंड हियरिंग का जो फील्ड है वो एक हमारा हेल्थ से रिलेटेड फील्ड है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हियरिंग टेस्ट करते हैं, जिनको सुनने में दिक्कत होती है हम सुनवाई की जाँच करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको मशीन लगाते हैं, पूरा टेस्टिंग करते हैं हियरिंग का। एंड स्पीच की बात करें तो जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत है, जिन लोगों को सुनने में दिक्कत है, तो बेसिकली क्या होता है कि स्पीच एंड हियरिंग का जो पूरा फील्ड है ये, तो ये फील्ड अभी लोगों को अवेयर नहीं है, लोग जान नहीं रहे फील्ड के बारे में, तो इसलिए वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली हैं। या तो फिर आप लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं जिस भी लोकेशन पे हैं आप अभी, या जिस भी क्लिनिक में हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में हैं, तो अगर आप जगह चेंज करना चाह रहे हैं या जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत है वो लोग अपना रिज्यूम हमें मेल कर दें नीचे दिए हुए मेल आईडी पे। जिन लोगों को इस कोर्स को करना है या इंटरेस्टेड है कोर्स को करने के लिए, तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और अभी इमीडिएटली मेरे पास, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं छत्तीसगढ़ में या तो फिर झारखंड में, और मुझे एक स्पीच थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है वाराणसी में, अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं जॉब करने के लिए स्पीच एंड हियरिंग के फील्ड में क्लिनिक पे या तो किसी हॉस्पिटल सेटअप में, तो आप लोग प्लीज़ नीचे दिए मेल आईडी पे अपना रिज्यूम और सीवी मेल कर दीजिए, ताकि अगर कहीं वैकेंसीज रहीं तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूँगा। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं और जॉब नहीं मिल पा रही है उनको, बट वैकेंसीज बहुत खाली हैं। बट ये है ना कि जो लोग हैं वो लोग सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या करना है कि जिन लोगों को या जिन लोगों को जानते हैं और अगर उनको जॉब करना है तो प्लीज़ आप नीचे दिए हुए मेल आईडी पे रिज्यूम वगैरह मेल करें। मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है तो वहाँ से आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को एडमिशन चाहिए या कोर्स को कहाँ से करें कहाँ से नहीं करें, सो डिप्लोमा करना है आपको, बैचलर करना है आपको, इवन मास्टर्स करना है आपको, तो किस कॉलेज में करें, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, सो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो स्पीच एंड हियरिंग के लिए आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, इवन आपको जॉब चाहिए, एडमिशन चाहिए, सो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेके आते हैं कुछ नए कंटेंट को। तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें। जय हिंद।